अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सानिया आसिफ और आज मेरे साथ हैं मिस्टर वकील मुराद, जो कि सीनियर एडिक्शन काउंसलर हैं एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ विलिंग वेज कराची। आज हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, जो कि फैमिली डिनाइल जिसको हम नाम देते हैं। जब एडिक्शन से रिलेटेड कोई भी फैमिली हमसे अप्रोच करती है, तो हमने देखा है कि फैमिली भी एक खुद फरेबी का शिकार होती है, उनके अंदर डिनाइल मौजूद होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका आगे ट्रीटमेंट पे क्या असर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच मिस सानिया आसिफ, बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है, क्वेश्चन है जो आपने किया है कि जैसे एक मरीज़ खुद फरेबी में रहता है, तो मरीज़ के साथ साथ उसकी जो फैमिली है, जो अफराद खाना हैं, वो भी एक खुद फरेबी में से गुज़र रहे होते हैं और उनको मरीज़ की बीमारी की शिद्दत का, सिवेरिटी का अंदाज़ा नहीं हो पाता, चूँकि वो सतही लेवल पे उसका जायज़ा जो है वो लेते हैं। अच्छा, एक इंसानी बिहेवियर है कि हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, लेते हैं। देखा ये गया है कि जो शुरू में आप किसी बीमारी के सिम्टम्स को सीरियस नहीं लेते, जब तक बीमारी पूरी तरह से वर्स ना हो जाए, उसके अंदर पूरी जो है वो सिवेरिटी ना आ जाए, तो हम किसी भी हेल्प को लेने के लिए तैयार नहीं होते। और जो ही वो बीमारी थर्ड फोर्थ स्टेज पे जाती है, तो हम कोई उसके लिए हिलना जुलना शुरू करते हैं और हेल्प जो है वो लेना शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजिकली इसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं कि कंपेयरिंग आउट। कंपेयरिंग आउट ये है कि आप बीमारी को उस वक्त तक नहीं मान रहे होते जब तक उस बीमारी के सारी अलामत आपके अंदर नहीं आ जाती। तो घर वाले भी कुछ इसी खुद फरेबी का शिकार होते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को ऐसे बच्चे के साथ या रिलेटिव्स या फैमिली में से फलां बच्चे के साथ, कि देखो उनके बच्चे के साथ भी नशे का मसला था, उसकी जॉब छूट गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको डाइवोर्स हो गई थी, उसको बिजनेस पे नुकसान पहुंचा था, तो उस जो ये सारे हालात से गुज़र जाए उसको इलाज की ज़रूरत होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं कि वो नशे का मरीज़ होता है या उसको एडिक्शन होती है। तो जो सिम्टम्स आ चुके होते हैं, फैमिली उन सिम्टम्स को सीरियस नहीं ले रही होती या उन सिम्टम्स को कंपेयरिंग आउट करती है उन वर्स्ट सिम्टम्स के साथ जो अभी नहीं आए होते। एंड सेम विद द नशे का जो मरीज़ है, वो भी इसी तरह से जो है वो कंपेयरिंग आउट करता है, वो अपनी बीमारी की उन अलामात को नहीं देख पाता जो आ चुकी होती हैं, और उसकी नज़र उन अलामात पे होती हैं जो अभी आने वाली होती हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये हम देखते हैं कि फैमिलीज़ के अंदर बहुत कॉमन है, चूँकि साथ साथ में वो कंपैरिजन करने के एक खुद फरेबी में चल रहे होते हैं, और खुद फरेबी जिस जो चीज़ खुद फरेबी को मैनिफेस्ट करती है, जो खुद फरेबी को बढ़ा रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, वो साथ में फैमिली की अनेबलिंग भी है, यानी उनकी मावनत है फैमिली की, जो दूसरे लफ्ज़ों में हम मावनत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कि फैमिली जो है वो अपने लव्ड वन की जो एडिक्शन है और एडिक्शन के नतीजे में जो वो लॉसेस और नुकसानात और जो अदर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहा होता है, तो फैमिली आगे बढ़ के उन सारे मसाइल को रातों रात जो है वो कवर कर रही होती है, उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। अगर रात को उसने गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, उसने जो है वो बम्पर तोड़ दिया, हेडलाइट तोड़ दिया या और कोई चीज़ वो करके लाया, तो सुबह उठने से पहले गाड़ी बिल्कुल जो है वो ठीक उसको जो है वो मिलती है। और इसी तरीके से अगर और घर में वो कोई तोड़ फोड़ करता है, तो रातों रात जो है वो उसको ठीक करने का बंदोबस्त हो जाता है। तो ये एक इनेबलिंग जो फैक्टर है, ये बहुत रोल प्ले करता है फैमिलीज़ के अंदर, जो कि फिर जो बीमारी की शिद्दत है वो उसको महसूस नहीं होने देता। क्योंकि अगर आप बीमारी की शिद्दत को महसूस नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि आप जो है वो डिनाइल में रहेंगे, खुद फरेबी में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। तो फैमिली का इस अंधेरे से निकलना, इस खुद फरेबी से निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर वो हकीकत को फेस करना शुरू कर दें। और थोड़ा बिटर या थोड़ी तकलीफ़ दे बात ये ज़रूर है, और इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, और सही मानों में आप अपने लव्ड वन का तज़िया करना शुरू कर दें, तो जिससे उसके लिए जो इलाज है उसका रास्ता निकलेगा।
तो इलाज का रास्ता निकालने के लिए खुद फरेबी से निकलना बहुत ज़रूरी है, फैमिली का डिनाइल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।